हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। अरुण यादव जी, जवाब दें, जो बातें कर रहे हैं प्रेस के माध्यम से, आज भी मध्य प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं कि इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे दौरे रद्द करके इस काम में मॉडिफिकेशन में हम जाएंगे। हम न्यायालय से इस बात की अपील करेंगे, गुहार करेंगे और इस दिशा में प्रयास हमारे होंगे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, ये तो केवल 27% की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह गंभीरता के साथ कहे 27 क्यों, हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों, 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनावों में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। झूठ बोले इसमें भी, सफेद झूठ बोल जाए हम, ये हमने किया था तो इसके लिए कौन रोक सकता है। झूठ बोलने में तो पारंगत है, अंतर्राष्ट्रीय झुटेले हैं जो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने ये किया था। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ओबीसी वर्ग के अंदर, इस देश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के इतिहास में ओबीसी कमीशन बने थे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया था, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया था? क्योंकि ओबीसी वर्ग नेतृत्व के लिए कहीं खड़ा न हो जाए, दुर्भाग्य था इस बात का। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक एक ओबीसी समाज का हमारा नेतृत्व बात जानता है। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर 3-3 मुख्यमंत्री, आदरणीय उमाजी से लेकर के बाबूलाल गौर से लेकर के माननीय शिवराज सिंह चौहान अनवरत 16 वर्षों से मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, ओबीसी समाज वर्ग के मुख्यमंत्री हैं। मेरा जवाब दें कमलनाथ जी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए मैं कहता हूं, उसके बावजूद भी जो मैंने कहा है कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी विदेश के दौरे और उन्होंने सब रद्द कर दिए, महत्वपूर्ण दौरे थे, लेकिन उनकी गंभीरता इतनी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और उनका हृदय से आभार करता हूं कि एक ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री जो अपने ओबीसी समाज वर्ग के लिए, अगर इस प्रकार की चीजों को कैसे किया जा सकता है कि मॉडिफिकेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमने किन किन वकीलों को खड़ा किया था, यही वही कांग्रेस है जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब वकील खड़े हुए थे तो मैंने तो कहा था उनके एडवोकेट जनरल ने भी वॉकआउट कर दिया था, गए नहीं थे। जवाब दें कमलनाथ जी।